लेडीज कपसाट वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर पूजा गौर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने त्योनी थाने में थानेदार और सिपाहियों के बीच हुई आपसी मारपीट को लेकर कहा कि वह बहुत ही निंदनीय बात है। उन्होंने कहा कि जंगल के अंदर हिरण सेफ नहीं, थाने के अंदर थानेदार, मंदिर के अंदर देव दंगवा सेफ नहीं है। आखिर प्रशासन के द्वारा इस पूरे क्षेत्र की अनदेखी क्यों की जा रही है? उन्होंने स्थानीय विधायक और जिला पंचायत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बेबीज में शराब का ठेका खुल गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हाईवे पर शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। विकास नगर से महेश रावत की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज त्योनी में थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों में आपसी में आतापाई, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अफसोसजनक बात है कि आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल चल रहा है कि मंदिर के अंदर बकरे सुरक्षित नहीं है और थाने के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है। तो आप सोचिए कि जब पुलिस को नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम जनता को कैसे छोड़ा जाएगा? जंगल के अंदर हिरण सुरक्षित नहीं है। अभी इसके पहले हिरण कांड भी हुआ था, हिरण को मार डाला था तस्करी के तहत, और उसके ऊपर भी अभी तक पता नहीं, वो तो मुझे पता चला है कि वो लोग छोड़ दिए गए हैं। तो इस ये पूरा एकदम मतलब अंधा शासन चल रहा है कि जैसे सभी ने आप पे पट्टी बांध रखी है और हम सब लोगों को, पूरी जनता को छोड़ दिया है भगवान भरोसे। जब जहाँ पे इस तरह का हाल रहेगा क्षेत्र का, तो आप सोच सकते हैं कि क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हाईवे पे धड़ल्ले से शराब की दुकानें खुल रही हैं, और ख़ास करके आप मीनस पुल से जब हमारे यहाँ अटाल त्यूनी तक जाएंगे तो हिमाचल गवर्नमेंट में भी हर आधे किलोमीटर पे एक शराब की दुकान है। जबकि 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि शराब की जो दुकानें हैं वो आप हाईवे पे नहीं खोल सकते। इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, शासन क्या कार्रवाई कर रही है? वहाँ पे अभी मुझे पता चला है कि फेरिज पुल में नया एक दिन के अंदर शराब का ठेका भी मिल गया, दुकान भी खुल गई और वहाँ पर बिक्री होना भी चालू हो गए। तो जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक तरफ से खाई है, दूसरी तरफ से सड़क है, और उसी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ताक पे रख के इस तरह से गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तो मतलब पूरे, मुझे तो लगता है कि पूरे क्षेत्र के लिए ये मतलब काला दिन शुरू हो चुका है। और ये तो मतलब आप सोचिए कि जब एक थानेदार को वहाँ के पुलिस ही पकड़ के मार देते हैं, तो अभी जब कुछ होता था तो हम लोग पुलिस के पास जाते थे, अब जाए तो किसके पास जाए? क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये बहुत ही अफसोसजनक है और मुझे लगता है कि इसकी तुरंत छानबीन होनी चाहिए। और जिस तरह से आप मामले चल रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी काम होता है उसका, बहुत सारे जगह पहले तो FIR दर्ज नहीं होती थी, अभी मुझे नहीं पता कि अभी भी FIR दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, हिरण का प्रकरण आया, वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग अपने मनमानी से काम करता है, उनको जब कोई चीज़ें हाईलाइट करो वो लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। अभी जो हिरण का मामला आया था, पुलिस ने जो किया, पुलिस और फॉरेस्ट दोनों विभाग शामिल होने के बाद भी उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे कि अभी चार पाँच दिन हो गए मंदिर में अवैध निर्माण हो रहा था, और ऊपर से अभी पता चला कि वहाँ पर बकरी को मतलब एक तरह से बांध मतलब जेल में डाल के मारा जा रहा है। तो इस तरह की चीजें होने के बाद सब